गुड वेरी गुड। देखें ये प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे मेरा शायद बैरियर लगाया हुआ है, देखते हैं अगर रास्ता मिलता है तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम अस्तक विलेज। रात को हम अस्तक विलेज में पहुँचे थे, आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो गया। अब उठे हैं, यहाँ से अब कैंपिंग वगैरह निकालेंगे और निकलेंगे यहाँ से। फ़िलहाल बाहर निकलते हैं, बाहर का मौसम सुकून देखते हैं क्या सिस्टम है। दोस्तों ने तो मोटरसाइकिलें भी स्टार्ट कर दी हैं। अभी धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है, थोड़ा सा धूप जहाँ में बैठ के तकरीबन 15 मिनट धूप में बैठे हैं, अब नॉर्मल हो गया। पहले ठंड लग रही थी, इसके अलावा अभी मुँह हाथ धोने के लिए चीज़ें वगैरह उठाई हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि पहले कैंप पैक करें उसके बाद मुँह हाथ धोएँ, ताकि हाथ वगैरह जो है जो गंदे हो जाएंगे, मट्टी छट्टी लग जाएगी, एक ही दफ़ा फिर फ्रेश हों, क्रीम श्रीम लगा के, लोशन वगैरह लगा के फिर यहाँ से निकलें। उम्मीद करते हैं कि आगे रास्ता खुल गया हो और हम लोग मूव ऑन हो सकें बिलामिक के लिए। पैकिंग वगैरह सारी कर ली है, सब रेडी हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अभी तक लैंड स्टैंडिंग की जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक रोड ओपन नहीं हुआ, यानी कि हम लोग स्कर्दू वाली साइड पे अभी तक नहीं जा सकते। होपफुली आज पूरा का पूरा दिन ट्रैक रहेगा बंद, इसलिए थोड़ा सा प्लान चेंज किया। सोचा कि क्यों ना अस्तक विलेज को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, अक्सर लोग अस्तक नाले से नीचे से ही गुजर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि रिकमेंडेड जगह है, आप लोग तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर आए आप इस विलेज में पहुंचते हैं। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपको एक बड़ा ग्लेशियर मिलता है, वो ग्लेशियर यानी कि जो पाकिस्तान के जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हैं उनमें से एक है, तो उसको देखेंगे। फिलहाल अब अरशद भाई को करते हैं गुड बाय, अरशद भाई यहाँ से निकल जाएंगे। अरशद भाई जी जी, कैसा रहा ट्रैवल आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा एंजॉय किया, इन्जॉय किया फुल। आपने पाकिस्तान का टफेस्ट ट्रैक नूरी टॉप भी कर लिया है, वो भी बारिश में और बड़ा गजब का पानी था और वेदर कंडीशन जो थी वो काफ़ी टफ थी जी। मैंने पहले भी नूरी किया हुआ लेकिन उस वक्त इस तरह का नहीं था वहाँ का, यानी कि उस वक्त धूप थी और थोड़ा सा और तरह का, लेकिन इस बार हमें काफ़ी टफ मिला, स्लिपरी मिली, लेकिन हम लोगों ने अच्छा इन्जॉय किया। बहुत मज़ा, मून भाई ने भी ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय किया। फैसल भाई तो आपको पता हमारे साथ ही हैं, ये हमारे साथ रहेंगे फिलहाल। अब यही दुआ है कि जल्द से जल्द ट्रैवल हमारा स्टार्ट हो जाए स्कर्दू की तरफ, जल्द से जल्द हम लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आगे से रोड ओपन हो गया। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे, 2 से 3-4 किलोमीटर के बाद ग्लेशियर आ जाएगा। फिलहाल मेरा ये प्लान है कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ वहाँ से होके, फिर नीचे जाऊँ, मून भाई और फैसल भाई वगैरह अरशद भाई के साथ नीचे जाएंगे। बाकी हो सकता है प्लान में थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाए, वो साथ साथ ट्रैवल में मोटरसाइकिल के ऊपर चेंजिंग जैसी भी होगी वो साथ साथ अपडेट होती रहेगी। फिलहाल मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये कल्चर, ये सिस्टम मैंने पहली बार देखा है यार। यार क्या बात है यार, कैसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कभी यहाँ पे कोई आए नहीं है, बहुत कम लोग आए हैं यार टूरिस्ट। क्या नाम है इसका? शनु। शनु, गुड विलेज, खूबसूरत ब्यूटीफुल विलेज। शनु पहुंचे हैं जी हम अभी। यहाँ का एक अलग ही सिस्टम है यार, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं जगह बल्ती सामने इस तरह की चीज़ देखी।
कि लोग इस तरह अपने घरों के बाहर एक वो स्लैब सी बनी हुई है वहाँ पे लेडीज़ कपड़े वगैरह धो रही हैं और लोग सब बैठे हुए हैं, एक मोहल्ला जैसे हमारे वहाँ पे पंजाब में मोहल्ला टाइप होते हैं, ये भी मुझे पहली बार एक मोहल्ला टाइप लुक आई है। अभी आगे पत्थर जो है वो ज़रा ज़्यादा ही आ गया और मेरा ख्याल है कि क्या करना चाहिए, अब मुंह में पैंडल पुडलना, कोई तलवार तलवू लीए यार, कोई पैंडल पुडलना, पैंडल पुडलना तलवा लीए। एक मिनट, आगे वाले पत्थर चला, हाँ अब दबा के चला। यार स्यापा ही गया की सानू मत मत बजी साड़ी, किथे लैके जा रहे ने सानू? नहीं नहीं अगे नहीं जाना, बस बहुत हो गया। फैसल आगे सारे रास्ते में पत्थर है, पत्थर के अलावा ग्लेशियर भी आ गया, ग्लेशियर तो नहीं सॉरी नाला आ गया। और मुझे इतनी कोई ख़ास लग नहीं रहा कि हम किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, मेरा ख्याल है कि ये इट्स इनफ। और ये ऊपर भी ग्लेशियर है, बर्फ़ है, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को आगे नहीं चलना चाहिए, बस यहीं से वापस जाना चाहिए। बेफजूल में यहाँ पर मोटरसाइकिल का जोर शोर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको उठाओ यार, मेरा वो पेट्रोल भी नहीं कर रहा है, ना जल्दी उठा लो, मैं तो थक गया हूँ यार। बस थैंक यू बस ठीक है। ये विलेज का नाम है मोहल्ला शनु और बाइक जो है इजीली आराम से सही यहीं तक आती है, इसके बाद समझ लो कि आगे आगे ट्रैकिंग है। तो ये रे भाई, ये कह रहे हैं कि आपने चाय पी के जानी है हमारे पास से।
इधर ही बैठेंगे बस। हाँ चलो, अभी गजनफर भाई के घर पहुँचे हैं वापस शनू विलेज में, और वो बोल रहे थे कि आपने चाय पी के जानी है, लस्सी पी के जानी है। मैंने कहा हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, दोस्त सब नीचे चले गए हैं, लेकिन उन्होंने फोर्सली हमें यहाँ पे बिठा लिया है, और अब लस्सी पी रहे हैं। लस्सी के बाद उनको बोला कि जल्द से जल्द चाय पिला दें ताकि हम लोग यहाँ से निकलें। और हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, सब बहुत केयरिंग है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर टूरिज्म कम है, तो आप जहाँ पर भी खड़े होते हैं वहाँ पर सब जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कि ये टूरिस्ट आए हैं, बाइट लोग आए हैं। जैसे कि आप लोग नंतर बड़ी साइड पे जाते हैं, आप हुशे बड़ी साइड पे जाने हुशे सॉरी कह रहा हूँ खंजरा बड़ी साइड पे, इन साइडों के ऊपर इतना ज़्यादा टूरिज्म बहुत ज़्यादा डिवेल्प है। यहाँ पर टूरिज्म कम है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो हर जगह पर आपको मिलते हैं, और जहाँ पर आप खड़े होते हैं तो सब आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा एक आपको लगता है कि यार जहाँ पे भी जाते हैं एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तरह जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होता जाएगा आज तरह लोग भी यूज टू हो जाएंगे। फिलहाल लस्सी पियेंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद नीचे मुंबई वगैरह के पास जाएंगे, और फिर देखते हैं कि आगे नीचे की क्या कंडीशन है लैंड स्लाइडिंग की। गंगा भाई को यहाँ से बोलेंगे अलविदा, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अब मुंबई वगैरह के पास पहुँच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक ठाक हो सब? वाह वाह कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। देखें जी ये प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, चलाओ मोटरसाइकिल पे बैठते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कैसे उठाएंगे हैं? क्या हो गया? बस स्लिप हो गया एकदम। चलो उठाएं, आ जाओ ना। चले चले चले, थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया यार, आज तो बार बार मोटरसाइकिल गिरी जा रहा है। थैंक यू सो मच। हैं? चक्कर गिर गया था। हाँ थैंक यू यार, बार बार मोटरसाइकिल गिर जाता है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्लो स्पीड में गिरता है, चोट नहीं लगती। दो दफ़ा मैं गिर गया, दो दफ़ा या तीन दफ़ा मेरा पैसा गिर गया, बेसिकली शायद थक गए हैं, बस मुश्किल ट्रैक था ना, बेसिकली इतने थोड़ा सा थका दिया, तो हैंडल पे इतना कोई ग्रिप नहीं कर रहे, बस चला रहे हैं बस ऐसे ही। नीचे के हालात तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं लग रहे, मेरा हाल अभी तक रास्ता नहीं खुला, जो कि अब एक बैड न्यूज़ लग रही है मुझे, क्योंकि अब तक खुल जाना चाहिए। बस वो नीचे देखें सारे ट्रक खड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि रास्ता बंद है, उसके अलावा उधर खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं, जिसी तरीके से लाइन सिर वहाँ तक सारे के सारे में ट्रक ही नज़र आ रहे हैं, और 100% जो बात है ना वो रास्ता 100% नहीं ओपन हुआ। बाकी देखते हैं, जाकर रिपोर्ट लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी भाई क्या रिपोर्ट है, कब तक खुलेगा? पता नहीं, मैं तो उधर ले गया उधर हैं अब, उधर ब्लॉक नहीं का नहीं खुला, अभी अभी नहीं, शाम तक हो जाएगा, हो जाएगा। ये दो दिन तो शाम ही नहीं आ रही इनकी, पता नहीं कब शाम को खोलेंगे यार। जागते रहो, आज तक कभी इस तरह से नहीं फंसे यार, अजीब ही काम हुआ इस बार तो, पता नहीं क्यों बहुत स्लो काम है। वैसे तो लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी हैवी है, लेकिन जितनी भी हैवी है इनको चाहिए कि यार थोड़ा सा ख्याल करें लोगों का। दो दिन हो गए हैं, 24 घंटे से 48 घंटे इनफ टाइम
फॉर इट आई थिंक। चाहे जितना मर्जी आप कर लें, ऊपर से भी लैंड स्लाइडिंग आती रही, जो कुछ भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन थोड़ा सा इनको कुछ ना कुछ लोगों का ख्याल करना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी खोलें। मेरा ख्याल शायद रात को वैसे भी काम बंद कर देते हैं, लेकिन देखते हैं अभी, अल्लाह करे इंशाल्लाह आज हम लोग यहाँ से निकल जाए कितना कितना, ताकि हम अपने प्लान के मुताबिक चल सकें। यहाँ पे मेरा शायद बैरियर लगाया हुआ है, देखते हैं अगर रास्ता मिलता है तो। अभी जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है उस एरिया से वापस आ रहे हैं, कोई एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही कि रोड ओपन हो जाए एक दो घंटे तक। और मज़ीद ये लग रहा है कि मुझे कि कल भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पत्थर बहुत बहुत बड़े हैं, ब्लास्टिंग कर करके उनको पत्थर नीचे गिराने पड़ेंगे। ड्रिलिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एक दो उन्होंने ब्लास्ट किए हैं लेकिन उससे काम नहीं बना। फिलहाल अभी बारिश है, मौसम अच्छा नहीं है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो रात हो जाती है, और रात को आपको पता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो कोई भी पत्थर ऊपर से आता है आपको नज़र नहीं आता। रास्ते में भी आप लोगों ने देखा था कि जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई जब हम लोग आए थे, तो इसलिए फिर सब ने मिलकर यही डिसीजन लिया कि आज रात हम लोगों को ट्रैवल करके वापस जगलोड नहीं जाना चाहिए, हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। और सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह हम लोग अस्तक नाले को छोड़ेंगे और वापस जगलोड जाएंगे, और जगलोड से अस्तोर से होते हुए हम लोग इंशाल्लाह दियोसे से स्कर्दू में एंटर हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ी सी मायूसी है, आज तक ज़िंदगी में इस तरह से हम लोग नहीं फंसे, मायूसी भी नहीं है, बस समझ लें कि एक जो प्लान था वो प्लान हमारा सारा अपसेट हुआ, लेकिन ये भी एक एडवेंचर का, एक ट्रैवल का हिस्सा है, सब कुछ साथ साथ है। हर दफ़ा सेम सिचुएशन नहीं रहती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने दिन कोई भी ज़ाया नहीं किया, आज भी शाम के वक्त नीचे उतरे ये सोच के कि इंशाल्लाह जब हम लोग नीचे उतरेंगे तो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अब जो मेन चीज़ है, हम लोगों को ये वापस तकरीबन 70 किलोमीटर जो वापस जाना पड़ेगा, ये एक हमारा दो तीन दिन हमारे संभलने के ट्रैवल के डिस्टर्ब हो गए। फिलहाल अब यहाँ पर खाना छाना खाएँगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर इंजॉय करेंगे, अभी सिटिंग करेंगे। और आज हम लोगों ने अस्तक विलेज विज़िट किया, और अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे इतने कोई हैवी कोई आपको कोई मेडल्स वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन ट्रैक अच्छा है, एडवेंचर है, थ्रिलिंग है, आप लोग अच्छा इंजॉय करते हैं। और हम लोग आप पहले 6 लोग थे, अब 3 लोग हो गए हैं, तो थोड़े से उदास हैं, अब बैठेंगे तो गपशप लगेगी, तो इंशाल्लाह आता थोड़े फिर मोमेंटम बन जाएगा हमारा। अच्छा दिन गुजरा कल का भी, आज का भी, ओवरऑल ट्रिप अभी तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और वेदर इस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त है, अब बस कुछ पिक्चर वगैरह लेते हैं, खाना खाते हैं। खाने में अभी अपना डब्बा खोलेंगे जो घर से लेके आए हैं, हलीम का, और शायद हलीम का नहीं बल्कि निहारी का तक खाना खाएँगे, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। लाइट भी डिस्टर्ब है यहाँ पर, लाइट भी नहीं है, सिग्नल नहीं है, एस्कॉम की भी जो फाइबर की जो केबल है वो भी टूट गई हुई है, जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का चैनल ऐसा नहीं है जिससे आप किसी भी जगह पे आप लोग किसे कॉन्टैक्ट कर सको या फिर सोशल मीडिया के साथ एक्टिव हो सको। तो समझ लेंगे बस अभी हम हैं और ये खूबसूरत किस्म का नज़ारा है, और बस इसके अलावा दुनिया के साथ हमारा अभी फ़िलहाल कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। इसके साथ ही मौसम को तो इजाज़त, और इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ आपसे होगी मुलाकात। होपफुली हम लोग खैर खैरियत से जगलोड पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से जगलोड का रास्ता काफ़ी डैमेज है, पूरा का पूरा रास्ता। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से जगलोड पहुंचा दे, और जगलोड से हम लोग आगे अपना जर्नी करें। खुदा हाफिज़, सब अपना ख्याल रखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को लाइक करो, डिसलाइक करो, फॉलो करो, अनफॉलो करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो, कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर ज़रूर क्लिक करके जाओ। और मोहसिन भाई को दो इजाज़त, खुदा हाफिज़। ये टॉर्चे और ये ब्लामिक तकरीबन
तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद आप इस विलेज में आ जाते हैं।